तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है, जिसकी शुरुआत यहाँ से की जा रही है और अभी ये यहाँ से कारगिल चौक तक जाएगी। आप देख सकते हैं लोगों ने किस प्रकार से तिरंगे झंडे को अपने हाथों में पकड़ के रखा है और इस तिरंगा मार्च का आह्वान कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तिरंगे मार्च को लेकर उनकी क्या राय है, क्या विचार है और क्या उद्देश्य है। तिरंगा यात्रा कहाँ तक जाएगी? ये तिरंगा यात्रा जेपी गोलम्बर से कारगिल चौक तक जाएगी। तिरंगा की लंबाई कितनी है? लगभग 200 फीट है तिरंगे की लंबाई। जी वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। पूरे देश के युवा, पूरे पटना के, पूरे बिहार के युवा एकजुट हो और राष्ट्र विरोधी ताकतों से मजबूती से लड़े और देश की अखंडता प्रभुता बनाए रखे और देश के विकास में और देश की मजबूती के लिए आगे बढ़े। जैसा कि आपने सुना, भाजपा युवा मोर्चा के जो भी सदस्य हैं उनका कहना है कि आज ये भाजपा ये तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है देश के जवानों और शहीदों को सम्मान करने के लिए और साथ ही लोगों में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं सभी मिलकर देश को एक नया आगे योगदान दिए। अभी ये यहाँ जेपी गोलम्बर से शुरू किया गया है और कारगिल चौक तक इस मार्च को निकाला जाएगा। आगे लाइफ लॉन्ग बिहार के साथ।